बाकी मैंने इस दफा बड़ा टाइम गुजारा, उसकी रीजन है कि लोग जब पाकिस्तान से निकल कर जा रहे थे तो हमने कहा कि नहीं, हम अपने कायद के साथ खड़े होंगे और कायद के साथ खड़े रहे। जितने भी जलसे हुए, जितने भी उधर अरेंजमेंट हुए, जितने भी हम कर सकते थे, कंपेन चला सकते थे, हमने चलाए और उसके नतीजे में हम लोग पंजाब का इलेक्शन हमने जीता और उसके बाद हमने अपना चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। मेरे सब कायदीन से बड़ी मुलाकातें हुई और सबसे इस बात पर बड़े डिस्कशन हुए कि हमारे ओवरसीज के जितने मसले मसाइल है, पूरी दुनिया में जितने भी ओवरसीज है, 9 मिलियन ओवरसीज है और इसमें कम से कम 8 मिलियन जो है वो पीटीआई के मेंबर थे और वर्कर हैं, तो उनको भी इस चीज़ का बहुत एहसास है। और मेरे लीडर को तो खास कर, वो तो जब भी जहां भी जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने ओवरसीज की बात करता है। तो हमें जो उन्होंने राइट दिया था, ठीक है, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स किया हुआ है, लेकिन हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा और बहुत जल्द अनाउंस होगा तो हम इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और मैं खुद बताते खुद हम जितने भी ओवरसीज प्रेसिडेंट थे उसमें 25 कंट्रीज में हैं, हम 8-10 बंदे उधर मौजूद थे और हम ऑलरेडी हम सुप्रीम कोर्ट इस केस पे जा चुके हैं। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह हमारी नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि हम इस पर क्या वो लोग क्या रिजल्ट देते हैं। हमेशा जो है भाई भी जब होते हैं तो उनके ख्याल डिफरेंट होते हैं। ये हमारे मेंबर है, हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे साथ होते हैं। ये जब इलेक्शन होते हैं तो ऑफकोर्स आपने इलेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ना होता है, तो जब इलेक्शन आपने एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ना होता है तो उसमें ग्रुपबंदी हो जाती है, लेकिन उस इलेक्शन के बाद फिर सब वही इकट्ठे होकर उसी टेबल पे बैठते हैं। हमारे जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, आप उनमें देख ले, वो सारे जो हमारे हफीज थे वो सारे हमारे साथ बैठे रहते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो भी हमारे भाई। लेकिन हर बंदे का राइट है कि वो कंटेस्ट करे, इलेक्शन कंटेस्ट करे। जिस तरह मैं 4-5 साल से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, मुझसे पहले कुछ और लोग थे, उनका और ग्रुप था। हमारा भी जो टीम है या जो हमारा टीम है उसका नाम है वन टीम वन ड्रीम, तो हम लोग कंटेस्ट कर रहे होते, बाकी वो हमारे भाई है और मैं उनको साथ में लेकर चल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी सबसे मिल रहा हूँ, मेरा किसी से कोई भी जाती इख्तिलाफ तो नहीं है, न कोई सियासी इख्तिलाफ है, पार्टी एक ही है, न कोई मजहबी इख्तिलाफ है, न कोई कौमी इख्तिलाफ है, हम सब एक ही है। हमेशा हमारी ये कोशिश रही है कि जिसको भी इधर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को हेल्थ का इशू हो, किसी का वीजा एक्सपायर हो, कोई भी किसी और का छोटा मोटा केस हो जो उसको समझ नहीं आ रहा हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं किसी का पासपोर्ट का मसला हो तो हम कौंसुलेट के साथ भी रेगुलर इन टच रहते हैं, उनसे भी जो भी उनसे हो सकता है वो हमारे हमेशा बड़े हेल्पफुल रहे और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी का कोई भी मसला हो कि उसको हल किया जाए। और इस तरह बहुत से मसले में पब्लिकली नहीं अनाउंस करना चाहता हूं, लेकिन हमारी कोशिश रहती कि हम लोगों की हेल्प करें। नए लोग आते हैं विजिट वीजो पे, उनके लिए जॉब जितना हमसे हो सकता है, जितने ऑर्गेनाइजेशन को या जितने कंपनियों को हम जानते हैं उनको रेफर करते, अपने दोस्तों को रेफर करते कि हम अपने लोगों को और प्रमोट करें और उनको स्टेबल करें और उनको सेटल करें इधर। दुनिया में जितने भी और चीजें वो सब इसलिए इसको मनाते हैं, इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं कि ये हमारा हमारे लिए एक बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए एक बड़ी नेमत की बात है कि हमें अल्लाह ताला ने इस जैसे मुल्क को नवाजा है। लेकिन जो जो पीडीएम कर रही है तो इस मुल्क को खत्म करने पे चले हुए हैं।